आज की वीडियो में हम संकलाप डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में सीरीज कहते हैं। श्रृंखलाएँ मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है, अंग श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, विशेष शब्द श्रृंखला और विशेष श्रृंखला। इस वीडियो के अंदर हम अंग श्रृंखला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंग श्रृंखला के मुख्य रूप से सात प्रकार के नियम होते हैं, योग का नियम, घटाव का नियम, गुण का नियम, भाग का नियम, वर्गांतर का नियम, गणांतर का नियम, मिश्रित श्रृंखला। हम एक अंग श्रृंखला का मतलब होता है संख्याओं के प्रकार। हमें संख्याओं के बारे में उनकी परिभाषा आनी आवश्यक है। प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो एक से लेकर अनंत तक चलती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी आती है पूर्ण संख्या, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और गुणज का नियम, गुणज का नियम का अर्थ होता है पहाड़ा। इसमें किसी भी अंक का पहाड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 का पहाड़ा। हम आगे अंग श्रृंखला के एक एक नियम को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले योग का नियम। योग का नियम वह जब कोई श्रृंखला एकदम से न बढ़कर धीरे धीरे बढ़ती है, तो वहाँ योग का नियम लगता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि योग के नियम के अंदर अंग श्रृंखला के बारे में। 2, 3, 5, 7, 11 यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 में 3 जोड़ने पर 5 आ रहे हैं, और 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ रहे हैं, और 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ रहे हैं, तो 11 में 2 जोड़ने पर 13 आएंगे। इसलिए इस श्रृंखला का अगला पद 13 होगा। आगे नया एग्जांपल देखते हैं। इस श्रृंखला को देखते हैं, 79, 81, 115। 79 के अंदर 10 जोड़ने पर 89 आ रहे हैं, और 89 के अंदर 12 जोड़ने पर 101 आ रहे हैं, और 101 के अंदर 14 जोड़ने पर 115 आ रहे हैं, तो 115 के अंदर 16 जोड़ने पर 131 आ रहे हैं। क्योंकि इसमें 16 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि 10, 12, 14 ये सभी सम संख्याएं हैं, तो अगली सम संख्या 16 होगी, इसलिए इसमें 115 में 16 जोड़ेंगे। आगे हम घटाव का नियम पढ़ेंगे। जब कोई संख्या धीरे धीरे घटती है, तो वहाँ घटाव का नियम लगता है। यहाँ पर हम इसे इस श्रृंखला के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 75 के अंदर से 3 घटाने पर 72 आ रहे हैं, और 72 में से 5 घटाने पर 67 आ रहे हैं, और 67 में 7 घटाने पर 60 आ रहे हैं, और 60 में से 9 घटाने पर 51 आ रहे हैं। तो 51 आ रहे हैं, 51 भी ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिसका अगला पद आए। हम देखते हैं 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है, विषम संख्या है, तो 9 के बाद आने वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 11। 11 को हम 51 से घटाएंगे, घटाने पर 40 आते हैं, इसलिए इसका अगला पद 40 होगा। अगली श्रृंखला को हम समझेंगे उदाहरण समेत। 40 में से 2 घटाने पर 38 आ रहे हैं, और 38 में से 3 घटाने पर 35 आते हैं, और 35 में से 5 घटाने पर 30 आ रहे हैं। तो इसमें ऐसी 30 में से ऐसी कौन सी संख्या या पद घटाएं कि हमें इस श्रृंखला का एक अगला पद मिल जाए। हम देखते हैं कि 2, 5, 7 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, 5 के बाद 7 एक अभाज्य संख्या होगी, इसलिए हम 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 आएंगे, इसलिए इस श्रेणी का अगला पद 23 होगा। गुणा का नियम, गुणा के नियम में ऐसा होता है कि श्रृंखलाएँ एकदम से बढ़ती है,
यानी दुगुना भी हो सकती है, इसमें किसी भी संख्या का पहाड़ा भी हो सकता है या अंक का गुणज हो सकता है, आदि हो सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, 5 के पहाड़ है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आसान सी बात है कि अगला पद 30 होगा, क्योंकि 56 56 30 होता है। आगे हम भाग का नियम पढ़ते हैं। भाग के नियम में ऐसा होता है कि किसी भी संख्या का आदि होती है, इसलिए इसका सीधा सा उदाहरण, कोई भी संख्या तेज गति से घटती है तो वह वहाँ पर भाग का नियम लगता है। हम इस श्रृंखला के नियम उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि भाग का नियम में होता क्या है। हम देखते हैं कि 1080, 540, 270 की एक श्रृंखला है, उसमें हम 1080 में 2 का भाग देते हैं तो 540 आते हैं, 540 में हम 2 का भाग देंगे तो 270 आते हैं। तो हम 270 में 2 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? कौन सी संख्या प्राप्त होगी जो हमें इस श्रेणी का अगला पद मिलेगा? वह 270 में 2 का भाग देने पर 135 प्राप्त होंगे, इसलिए इस श्रेणी का अगला पद 135 होगा। यह श्रृंखला गलत है, क्योंकि अपन 1100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आते हैं। अब हमें इसमें 50 का भाग ही देना होगा तो 25 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसलिए श्रृंखला गलत है। हम अगला नियम देखते हैं कि वर्ग वर्गांतर संबंधी नियम। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के वर्ग दिए जाते हैं या संख्याओं की में या संख्याओं में श्रेणी में घटाव या जोड़ा जा सकता है। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा हल करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 2, 3, 4 तो 5 का वर्ग इस श्रेणी का अगला पद होगा। तो इस श्रेणी का अगला पद 25 होगा, क्योंकि 25 × 25 करने पर 5 × 5 करने पर 25 होता है। हम इसे अगली श्रृंखला द्वारा समझेंगे। यहाँ पर 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग तो 7 का वर्ग दिया गया है, तो इसका अगला पद कौन सा होगा? इसका अगला पद 81 होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 का वर्ग आ गया। क्योंकि हम देखते 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो इसके आगे का आगे की 7 के आगे विषम संख्या 9 होगी, इसलिए यहाँ पर सही आंसर या श्रृंखला का अगला पद 81 होगा। हम अगली श्रृंखला को हल करते हैं। 4, 16, 25 2, 4 और 5 के वर्ग दिए हुए हैं, तो अगला पद कौन सा होगा? अगला पद 7 होगा, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होगा, 49 होता है, तो इस श्रेणी का अगला पद 49 होगा। 2, 4, 5 इस प्रकार यहाँ पर 2 भी सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और 4 भी सम संख्या है, लेकिन 5 यहाँ पर इकलौती है, इसके आदि के अभाज्य संख्या 7 होगी। हम अगला नियम घन घनांतर पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं के घन दिए जाते हैं या संख्याओं में श्रेणी में जोड़ा या घटा या जा सकता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होगा,
हम देखते हैं कि लगातार एक ही लगातार संख्या आ रही है, तो चार के बाद पाँच आएगी। पाँच का घन कितना होता है? पाँच का घन होता है 125, क्योंकि 5 × 5 × 5 × करने पर 125 आता है। इसलिए इस पद का, इस श्रेणी का अगला पद 125 होगा। हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं और जहाँ पर इसे विस्तार से समझाया गया है कि एक में एक प्लस करने पर दो अगला पद बन रहा है, और दो में 8 प्लस करने पर 10 बन रहा है, और 10 में 27 प्लस करने पर 37 अगला पद बन रहा है। तो 37 में 64 प्लस करने पर 101 बनता है, एक बनता है। तो इसी प्रकार से इस श्रेणी के अगले पद को प्राप्त करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे या किसका घन करेंगे? तो हम देखते हैं नीचे 1, 8, 27 और 64। 1 का घन 1 होता है, 8 का घन 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। तो हम किसका घन करेंगे? हम अब यहाँ पर 5 का घन करने पर अगला पद प्राप्त करेंगे, इसलिए यहाँ पर 5 का घन करने पर 125 आता है। तो इस श्रेणी का भी सही या अगला पद 125 होगा। हम अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंक श्रेणी के नियम को पढ़ेंगे, वह मिश्रित श्रृंखला। इसके अंदर सभी प्रकार के जोड़, घटाव, जोड़, गुणा, भाग आदि अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आ रहे हैं, और 36 18 का भाग 36 में देंगे, -2 आते हैं, और 18 को 3 से गुणा करने पर 54 आ रहे हैं, और 54 में 27 का भाग देंगे, -2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर नियम लग रहा है +3 -2 +3 -2 का। तो अब यहाँ पर किस संख्या से गुणा करेगी श्रृंखला का अगला पद आ जाए? तो यहाँ पर देखते हैं हम 2 आ रहे हैं, तो वापस 3 प्लस से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस से गुणा करेंगे, 27 को 3 से गुणा करने पर गुणा करने पर 81 आते हैं। इस पर इस श्रेणी का अगला पद 81 होगा। अगली श्रृंखला को हम देखते हैं 36 12 48 9.6 9.6। यहाँ 36 में 12 भाग देने पर 3 आ रहे हैं, और 12 को 4 से गुणा करने पर 48 आ रहे हैं। 48 में 5 का भाग देने पर 9.4 आ रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नियम लग रहा है, से ध्यान से देखें तो 3, 4 और 5। तो अगला पद कौन सा होगा जिससे हम 9.6 को गुणा करेंगे? तो वह होगा 6। 6 को 9.6 से गुणा करने पर 57.6 आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 57.6 आएगा। इस प्रकार इस टॉपिक समाप्त होता है। इसको हल करने के लिए आगे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनको वो हल करके मुझे कमेंट के अंदर बताएं, या इसके इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होने पर मुझे कमेंट के अंदर बताएं। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक अंक श्रृंखला समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।